20 साल पहले सिडनी ओलंपिक्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने विक्ट्री पोडियम पर अपने पांव रखे। वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने वाली ये महान खिलाड़ी थी पद्मश्री कर्णम मलेश्वरी। 20 साल बाद एक और महान खिलाड़ी इम्फाल के एक छोटे से गांव से निकलकर ओलंपिक्स में अपने मजबूत कदम उसी विक्ट्री पोडियम पर दो पायदान ऊपर रखने जा रही हैं। भारत की गोल्डन गर्ल पद्मश्री साईखोम मीराबाई चानो। अगस्त 1994, वो दिन जब मणिपुर के नोंगपो काकचिंग नामक गांव में मीराबाई का जन्म एक पीडब्ल्यूडी मुलाजिम के घर में हुआ, उनकी छठी औलाद के रूप में। हम 6 भाई बहन हैं, तो उन सबको देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। किस्मत भी अजीब होती है। बचपन में जब मीराबाई अपने बड़े भाई के साथ रोज चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बटोरने जंगल जाती, तो उनसे ज्यादा बड़े लकड़ी के गट्ठे खुद उठा लिया करती थी। जो हम लकड़ी इकट्ठे करती थी, तो वो किसी ने नहीं उठा पाया था, तो मैं उठा के लेके आया, तो सबने बोला थे, गांव वालों सबने, तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको कुछ करना चाहिए। उस वक्त किसी को कहां पता था कि किस्मत अब अबोध बालिका को आने वाले समय में पूरे देश के सपनों का भार अपने कांधों पर उठाने के लिए तैयार कर रही है। शुरू में कोच ने बोला था कि प्रोटीन वगैरह खाना पड़ेगा, तो घर आके मीराबाई ने हमसे बोला कि मुझे भी ये सब चाहिए। मैंने बोला कि खाने पीने की तू फिक्र मत कर, जो भी होगा हम करेंगे। 2012 में एक धमाकेदार शुरुआत करते हुए मीराबाई ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, 2013 जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतकर पूरी दुनिया को अपने बाजुओं का जोर दिखा दिया। लेकिन 2016 के रियो ओलंपिक्स में वो क्लीन एंड जर्क सेक्शन में बुरी तरह चूक गईं। मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। स्टेज में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करने जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं मेडल नहीं ले पाया। कोई भी बच्चा उस स्टेज पे जाके फेल हो जाए और मेडल की होप हो तो नेचुरल है डिप्रेस होना। बट मैं ये कहता हूँ कि लड़की मीराबाई बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा करेजियस है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसे समझाने में कि हम कर सकते हैं। रियो ओलंपिक के बाद मैंने एक टारगेट किया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2017 एनहम का। मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इतना मेहनत किया, तो 22 इयर्स के बाद वेटलिफ्टिंग के लिए मैंने वर्ल्ड चैम्पियन हुए। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता और रिकॉर्ड भी किया मैंने। अपनी इस मेहनत के बल पर मीराबाई चानू ने 2018 में भारतीय खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपने नाम कर लिया। उसी साल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के बाद अब उन्होंने अपने मजबूत हाथ आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ा दिए हैं। ओलंपिक्स के लिए तो अभी तैयारी तो अच्छा चल रही है अभी तक। अपनी इस अद्भुत काबिलियत और अटूट हिम्मत के दम पर मीराबाई चानू बन गई हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।